रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहत का किचन। आज हम बनाएंगे वेज कटलेट, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक नींबू और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, मैगी मसाला 1 पैकेट लिया है मैंने, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं जिनको मैंने काट के बॉईल किया है, हरे मटर, गाजर क्यूब्स में कटे हुए, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटे हुए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, एक कप सूजी और 1 कप पानी। चलिए इसको बनाते हैं। हम एक पैन लेंगे, उसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर हम उसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने के बाद हम उसमें पानी ऐड करेंगे और एक थिक सा डो बना लेंगे हम, और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है, बस सूजी अच्छे से पक जाए। इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी और ऐड किया है और इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहें इसमें। इसे हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये एक अच्छा सा डो फॉर्म कर जाए। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी में आ रहा है जैसे हमें चाहिए, एक डो के फॉर्म में। और ये हो गया है और अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमने आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे जो भी हमने लिया था। पहले हम पाउडर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, फिर हम वेजेस ऐड करेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से, यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया है, मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। और अब हम सारे वेजेस को ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च यूज़ किया है और 1 गाजर यूज़ किया है और 1/2 कप मटर लिया है। ये देखिए इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड करें। और अब हम इसमें वो जो हमने सूजी का मिक्सचर बनाया था स्टार्टिंग में, वो ऐड कर देंगे ताकि हमारा कटलेट थोड़ा क्रिस्पी और हार्ड हो। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके शेप्स बनाएंगे। जैसा शेप आप चाहें उस तरह का आप शेप बना सकते हैं।
ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है और इस तरह से हम इसे शेप देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, यूजुअली कटलेट्स लंबे होते हैं तो मैंने यहाँ पे वही शेप दिया है। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे शेप देना है। ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। देखिए हमारे कटलेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कटलेट रेडी है फ्राई होने के लिए और अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हमें फ्राई करने से पहले हम कटलेट को अच्छे से सूजी में कोट करेंगे और तब हम इसे फ्राई करेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी बने। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम कटलेट्स लेंगे और उसे सूजी में कोट करेंगे और तब हम उसे तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद हमें गैस फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि वेजीज भी अच्छे से पक जाए और कटलेट भी ज़्यादा जले नहीं। ये देखिए मैंने सूजी में अच्छे से इसे कोट कर दिया है। इस तरह से हमें कोट करना है सूजी में। ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनेंगे और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। ये देखिए कलर कितने अच्छे से इसका चेंज हो रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो चुका है। इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह से प्लेटिंग कर सकते हैं और खाली भी खा सकते हैं या आप टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे वेज कटलेट्स। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।